सत्यनारायण साहू। तो तुम्हार क्षेत्र में अभी ये सराईपाली विधानसभा है, काकर माहौल दिखा थे, कौन जीती, का लगा थे तुम्हें? अभी फुल छाप के माहौल दिखे थे, बीजेपी मोदी के लहर है जी, अभी मोदी के लहर है, मोदी के लहर है। अच्छा, मोदी के लहर, राहुल गांधी ला मौका नहीं मिले? बिल्कुल नहीं मिले। काबर? अभी लेका है। अच्छा, और मोदी का काम करी से जो ला देख के लोग मन वोट दी हूँ? जैसे कि हर घर में शौचालय, हाँ, नल जल, हाँ, हर महिला पुरुष के खाता खुलवाई से। तो इधर ही जैसे बीजेपी मन एक तो स्लोगन दिन से अब की बार 400 पार, का लगते 400 पार जही? बिल्कुल जही, गारंटी के साथ। और कांग्रेस के का उम्मीद दिखते, कांग्रेस कतका सीट पाही? कांग्रेस के पूरा जीरो। अच्छा, जैसे भाजपा महासमुंद लोकसभा ले रूप कुमारी चौधरी ला अपना अपन प्रत्याशी बनाई से, हाँ, और वही तेली समाज ले ताम्रध्वज साहू ला कांग्रेस अपन प्रत्याशी बनाई से, तो का लगते जातिगत समीकरण हर फैक्टर कर ही? नहीं, प्रभावशील ऐसे समय के अनुसार होते, हाँ। तो अभी मोदी लहर है तो वो कतको जातिगत उठाए भी मुश्किल लगे। एक तो अन्यत्र क्षेत्र से आते विदाउट, अभी जो कांग्रेस पार्टी में महासमुंद में अभी नहीं लगते कि जातिगत धारणा बन सके, राष्ट्रवाद फैक्टर हर काम करी, हाँ। तो हिंदूवाद के कार्ड चल ही कि नहीं? बिल्कुल चल ही, चल ही। मैं ताराचंद साहू और क्षेत्र क्रमांक 3 बड़े साजा पानी से जनपद सदस्य हूँ अभी वर्तमान में। तो जनपद सदस्य जी, क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपको, इस बार किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है केंद्र में? अभी जिस प्रकार से हम लोग देखें तो पूरा हमारे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में मोदी लहर चल रहा है, और छत्तीसगढ़ में तो पूरे 11 की 11 सीट हम लोग जीत रहे हैं। और जो है ये मोदी जी का जो है इतना राष्ट्रवाद जो प्रभाव है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, अनेक योजनाएं जो है लागू की है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी जो व्यक्ति को ये लाभ नहीं पहुंचा, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो अंत्योदय के तहत अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को किसी न किसी योजना के तहत, अगर किसान हो तो किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में 2000 रुपये के रूप में उनको प्रति जो है साल में 6000 रुपये मिल रहा है। और एक बड़ी बात है, जब अभी छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तो उस घोषणा के तहत पिछला जो है बोनस भी 2 साल का बोनस दिया गया है, और अभी 21 क्विंटल खरीदी और 3100 रुपये की दर से खरीदी भी हुआ है, इससे भी किसान बहुत खुश है। और अभी महतारी वंदन योजना है तो महतारियों में भी एक हर्ष है, क्योंकि देखिए अभी तक हम खुद अपने माताओं के बहनों के खाते में हम खुद जमा नहीं कर पा रहे थे, वो काम मोदी जी ने कर दिखाया है, तो माताओं बहनों बहुत खुश है मोदी जी के कार्यों से, उनके लाभों से पूरा लाभान्वित हैं और मोदी जी के प्रति पूरा प्रभावित हैं। और कांग्रेस का देखें तो बड़ा बुरा हाल है, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाला था भारत जोड़ो यात्रा, अब मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो अब उनको ये यात्रा निकालना पड़ेगा कि अब कांग्रेस जोड़ो यात्रा, ये मुहिम उनको अब लगता है कि ये हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभी देखो हमारे बसना जनपद की अध्यक्ष शामिल हुई है अभी कांग्रेस को छोड़ करके, अभी जिला पंचायत उषा पटेल जी वो भी शामिल हुई है, तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस में कोई बड़ा नेता अब रहा है सराईपाली बसना महासमुंद में। तो इसी प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग 11 सीट जीत रहे हैं। और जो बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, क्या लगता है महोदय? ये तो आप खुद जानते हैं कि पूरा 400 पार, 400 से ऊपर ही होगा, और 400 पार तो डेफिनेटली। अच्छा, जैसे अभी आप महतारी वंदन योजना के बारे में बता रहे थे, तो उसी के जैसा कांग्रेस एक योजना लाई है जिसमें वो महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना यानी कि 8300 रुपए कुछ प्रति माह महिलाओं को देने की बात कह रही है, वो उसमें महिलाएं कितना भरोसा कर रही है? देखिए सरकार बनेगी तब ना,
बहुत सबसे बड़ी इफेक्ट बात है सरकार बनेगी, सरकार तो बनेगी है ही नहीं, नामुमकिन है। ये एक महिलाओं को बरगलाया जा रहा है और ये जो है योजना के नाम में ये ठगी है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है, जबकि कांग्रेस जो है 272 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है, तो वो कहाँ से? देखिए, हमारा जो जीत है वो जितना आप जो बताएं 272 उससे आगे लीड कर रहा होगा, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि उससे हम लोग कम कम की तो स्थिति पूरे भारत में ही नहीं है। हर चहुं और चहुमुखी विकास की ओर देखें तो निश्चित रूप में अब की बार 400 पार एक बार फिर मोदी सरकार बनना तय है। अच्छा, जैसे कि रूप कुमारी चौधरी और ताम्रध्वज साहू महासमुंद से दो प्रत्याशी हैं जी, आपको कौन बेहतरीन प्रत्याशी? देखिए, लोकलिटी तो देखा जाए हमारा ये बसना हमें भी गर्व की बात है जो हमें लोकल प्रत्याशी मिली हुई है, और जनता भी चाहेगी क्योंकि ये लोकल है। हमें आज तक जो है जब से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है तब से हमें ये सराईपाली बसना को नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला था। अब मोदी जी के द्वारा जो है हमारे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी जी को एक नेतृत्व करने का मौका मिला हुआ है, तो इसका पूरे सराईपाली बसना में तो लोग जो है बहुत ही हर्ष है और हर्षोल्लास के साथ ही वो लोग पूरे विजय दिलाएंगी और पूरे मतलब जो है उनके पक्ष में वोट करेंगे। अच्छा, महासमुंद लोकसभा की बात करें तो यहाँ कौन सा फैक्टर काम करेगा, जातिगत समीकरण या राष्ट्रवाद? देखिए, जातिगत तो आप छोड़ दीजिए, राष्ट्रवाद, क्योंकि राष्ट्र में हमें जिस प्रकार से अभी भव्य मंदिर बना हुआ है अयोध्या में, 500 साल से हम जो एक हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी आराध्य देव हमारे हिंदुओं का वो एक टेंट में रहा करता था, और पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ उनको एक टेंट में ही मात्र महज सिमेट के रख दिए थे, वो काम आज मोदी जी के द्वारा हुआ है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है और हमारे इस प्रकार से आगे भी जो है अभी श्री कृष्ण भगवान की बारी है, उनका भी हमें जीर्णोद्धार करना है, बहुत सारे हैं ऐसे काम। देखिए, एक बात मैं पूर्ण तरह आपको बताना चाहूँगा, इसमें न भाजपा का कोई ऐसा जातिगत समीकरण है, वो सभी को समान रूप से लेकर के चलने वाले हैं, ना जातिगत कोई धर्म ऐसे प्रकार का भावना ही नहीं रखता, ये सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करने वाली भाजपा सरकार है, और भाजपा को सभी सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी ऐसा करते ही रहेंगे, और निश्चित रूप में हम लोग 2024 जो है लोकसभा पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ में महासमुंद भी जीत रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की 11 सीट भी जीत रहे हैं।